आप देख रहे हैं अपना समाचार। मंच पर विराजमान कलाकार साथियों की तरफ से सबसे पहले मैं मीरा भाईंदर की पावन धरती पर आई हुई इस साईं कुंज के प्रांगण में पधारी हुई बहन माया जी को जन्मदिन के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बार बार बधाई देता हूं। मेरे साथियों, बड़ा ही गर्मजोशी के साथ हमारे कलाकार बंधु ने अपने गीत को पेश किया। शरीर का रोवा रोवा गनगन हो गया। मैं कहना चाहूंगा, राजनीति की भी थोड़ी सी बात हुई है। हमारी मीरा बहन समाजवादी पार्टी मुंबई महिला का नेतृत्व कर रही हैं। पूरे मीरा भाईंदर की तरफ से समाजवादी पार्टी में आने के कारण भी तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं। सौभाग्य की बात है साथियों, देखिए उत्तर प्रदेश की धरती में बहन मायावती जी का साथ मिला, दिल से उन्होंने समर्थन दिया। सबसे मजबूत किले को माया जी हमने ध्वस्त कर दिया और आपसे वादा करते हैं, अगर आपने दिल से हमें सहयोग दिया तो माननीय उमेश यादव जी के नेतृत्व में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के किले को हम ध्वस्त अगर नहीं कर पाए तो उस किले के अंदर प्रवेश जरूर कर जाएंगे। आज आपका जन्मदिन है। पूरे मीरा भाईंदर की तरफ से जितने भी लोग आए हुए हैं, एक हर्षोल्लास आपको देख करके लोगों के बीच में जागी है। आपका बहुत 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 सम्मान किया जाता है। हमारे बीच में कुछ हमारे अधिवक्ता भाई भी हैं जो अपने विचारों को रखेंगे और हमारे आदरणीय मीरा भाईंदर शहर के अध्यक्ष उमेश यादव जी का आदेश हुआ है, सभा के आखिरी में 10 बजे आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटने का कार्यक्रम किया जाएगा। आपको पुष्प गुच्छ भी दिया जाएगा। सारा कार्यक्रम 10 बजे रखा जाएगा। भोजन की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग चले जाते हैं केक काटने के बाद में, इसके लिए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह कार्यक्रम हम सभा के आखिरी में रखेंगे। आदरणीय मीरा यादव जी, जो मीरा भाईंदर शहर में नगर, आप आर्टिस्ट हैं, आप कलाकार हैं, आपने फिल्म सिटी में काम किया, लेकिन आज यहाँ जब यदुवंशियों के विचार को सुन रही हैं तो आपका भी दिल कहता होगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया। अब मैं आदरणीय श्री गिरिजा शंकर यादव जी, देखिए 10 बजे का ही हमें समय मिला है। मैं सभी वक्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा, कम समय में आप लोग अपने विचार को रखें। मीरा भाईंदर के इस पावन धरती पर इस कार्यक्रम के आयोजक भाई उमेश यादव को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि मीरा भाईंदर में हमारे समाज के तमाम लोग रहते हैं और किसी न किसी बहाने, चाहे बहन हमारी माया जी हों, चाहे जो भी हो, सबके बहाने हमें यहाँ मिलने का, दो शब्द बोलने का मौका मिला। सबसे पहले उमेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। आप दिन दुगना रात चौगुना इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित करें और मुंबई से आके हम सब भी अपनी परिचय के जो मोहताज थे, यहाँ परिचय हम अपना बनाए। और आज की जो सम्मान मूर्ति हैं बहन माया जी, मैं बधाई दूंगा आपको। आपके जन्मदिन पर हम आपको यह बधाई दूंगा कि आप लंबी उम्र की आपको कामना करूंगा कि आप जब फिल्म में 200 कम से कम फिल्मों में आपने काम किया है और एक यादव परिवार की जन्मी और एक दबाव से जो है, क्योंकि यादवों का एक बात तो है जो है कि जब वहां गई होंगी तो हमारे समाज के तमाम जो बुजुर्ग हैं वो इतना आसानी से इनको इस धरती पर इसमें जो है पार होने नहीं दिए होंगे। तो आपने जो है इतनी बड़ी क्या इतना बड़ा कंकड़ पत्थर झेल के
और 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, समाजवादी पार्टी नहीं यादव समाज आपको बधाई देता है। और जब हमारी पार्टी में आप आए हैं बहन जी, तो आपको भी हम बधाई देंगे, इस आशा के साथ बधाई देंगे कि आप हमारी आन बान शान हैं, हमारी बहन बेटी हैं। जिस तरह से आपने उस समाज में वहाँ आपने मान सम्मान हमारा रखा, उसी तरह से पार्टी में भी हमारी मान सम्मान को आप रखेंगी। एक भाई, एक पिताजी, एक सबका जो है गर्व से उनका सीना चौड़ा होगा। इन्हीं बधाई के साथ हमारी बहन जो है नगर सेविका यहाँ आई हैं, हम इनके बहुत पुराने हैं, इनके पिताजी इनकी मायके से हम बहुत परिचित हैं, और जो है हम वहाँ पड़ोस में रहते हैं जो है इनके भाई साहब के। हम आपको भी बधाई देंगे बहन कि आप जो है दिन दुगुना रात तिगुना आप जो है तरक्की करें, किसी भी पार्टी में कहीं भी रहें, लेकिन जब आवे तो एक मीरा यादव हमारी बहन जो है वो अपना नाम मीरा भाईंदर में रोशन करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ समय अभाव में मैं अपना दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अपना समाचार।